आइए और स्वागत है सबका। आज कुछ बहुत ही विशेष टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक है जैसे किस तरह से सेंटेंसेस को, या तो वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो, तो किस तरह से हम उसको क्लासिफाई करेंगे कि ये कौन सा टेंस का है और उसको बहुत इजीली हम कैसे पहचान सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको हिंदी में किस तरह से हम पढ़ते हैं और उसको इंग्लिश में भी किस तरह से पढ़ते हैं। साथ में इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं आप सबों को कि इसमें जो आपका सेंटेंसेस है वो इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और अलग अलग तरीके में किस तरह से उसको लिखा जाता है या पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, मैं ये बात कर रहा हूं ये हाउ टू रिकग्नाइज द टेंस ऑफ ए सेंटेंस। तो जो सेंटेंस है उसका जो टेंस है वो कौन सा, इसको किस तरह से हम पहचान करेंगे, इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। तो कुछ स्ट्रक्चर, कुछ ये जो सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं, तो जैसे फर्स्ट में आप इसमें देखिए, जैसे जो फर्स्ट में हमने लिखा है ये एक नंबर में, जैसे ये आप देख सकते हैं इसमें एक नंबर में ये है कि आप देख रहे हैं ये एक नंबर है, ही रीड्स ए बुक। इसको यदि हिंदी में हम बात करें, ट्रांसलेट करके बात करें, तो ये कहलाएगा वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स ए बुक। इस तरह जैसे सेकंड की बात करते हैं तो यहां पर यह है कि यू रीड ए बुक, तुम किताब पढ़ते हो। थर्ड में जैसे बात करते हैं हम लोग, तो थर्ड में है दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। फोर्थ, चौथा एग्जाम्पल हमने लिया है वो है राज प्लेज फुटबॉल, राज फुटबॉल खेलता है। तो ये आप ये देख रहे हैं, ये जो है आपका ये चार सेंटेंस, नीचे और भी है ताकि मैं पूरी तरह से आपको क्लैरिफाई करा पाऊं कि ये किस तरह का सेंटेंस है। तो इसके लिए देखिए, जैसे फर्स्ट है ही रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ता है, यू रीड ए बुक, तुम किताब पढ़ते हो, दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। मैं इसको इसलिए इतना ध्यान से पढ़ा रहा हूं ताकि आगे मैं बहुत शॉर्टकट में चलूंगा, यही फर्स्ट है, इसी में मैं ज्यादा से ज्यादा आपका समय लूंगा और इस समय के अनुसार जैसे आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस स्ट्रक्चर को आप देखते हैं तो यहां पर आप पाएंगे कि जैसे इंग्लिश में है ही रीड्स ए बुक, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, रीड्स जो है सो मेन वर्ब हो गया, और ए बुक है जो कि आपका ऑब्जेक्ट है, या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बोलते हैं, सेंटेंस का बाकी जो भी भाग बचता है वो आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कहलाता है। तो ही रीड्स ए बुक कहने का मतलब वह किताब पढ़ता है, यू रीड ए बुक, यहां पर भी यू सब्जेक्ट है, रीड आपका मेन वर्ब है, और इसके बाद जो देख रहे हैं आप ये आगे जो भी चीजें हैं वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कहलाता है, सेंटेंस का बाकी पोर्शन जो है। तो इसमें आप देखिए क्या इसमें मतलब आपको परेशानी होती है पहचानने में, तो आप देख रहे हैं कि जैसे सिंपली जो बात है उसको लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट और सीधे सीधे जो आपका मेन वर्ब होता है। तो यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है, जैसे फर्स्ट और सेकेंड में हमने फर्स्ट में रीड्स लिखा है और सेकेंड में रीड लिखा है, इसको आपको एक ही चीज समझ लेना है कि जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहने मतलब ही सी इट या कोई सिंगुलर नाम हो तो उस स्थिति में हम जो भी हमारा मेन वर्ब होगा उसमें हम एस या यस लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। इसका कारण यह होता है कि ये जस्ट आप शायद बहुत कम लोग इस चीज को जानते होंगे, ये सब्जेक्ट जैसे होता है कि ये जो ये आपका वर्ब जो होता है वो जब तक उसमें एस या यस नहीं लगता है तब तक वो प्लुरल रहता है। जब आप ही रीड्स करते हैं तो वो ही जो कि सिंगुलर है उसी हिसाब से ये रीड्स भी जो है आपको सिंगुलर में बदल जाता है। तो यहां पर देखिए इस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, तो ये फर्स्ट जो है आप देख लीजिए, फिफ्थ जो एग्जांपल हमने लिया है, ये पांचवा जो एग्जांपल है आप देख रहे हैं राज एंड सीता प्ले फुटबॉल, यहां पर हमने दो लिया है राज एंड सीता, तो ये दोनों मिलकर के जो चूंकि ये एंड से जुड़े हुए हैं इसलिए प्लुरल हो गए, इसलिए इसमें एस नहीं लगेगा, इसका अर्थ हो जाएगा राज और सीता फुटबॉल खेलते हैं। तो आप इसमें देख लीजिए, अब इसमें बात करते हैं कि किस तरह के जो सेंटेंसेस है उनको इसमें कैसे रखते हैं। तो आप देख रहे हैं ऊपर सभी जितने भी आपके ये जो सेंटेंसेस है पांचों सेंटेंस, उससे क्या पता चलता है आपका रेगुलर वर्क है, ये जो रेगुलर वर्क जो काम होता है उसके बारे में बात है। तो रेगुलर वर्क्स जो है उनको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, इसमें देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस इसमें आते हैं। तो इस तरह से यदि आपका एग्रीमेंट है इंग्लिश में, पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ फिर मेन वर्ब है और उसमें एस एस लगा हुआ है या नहीं भी है, और आगे जैसे सीधे मतलब भी वन मेन वर्ब भी वन है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, तो आप समझ लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट का है, प्रेजेंट इनडेफिनाइट का है।
तो इसका नाम हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनाइट। तो ये समझ ले कि इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो आपका सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है, आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आपको यदि ट्रांसलेट करना होगा तो इस तरह से आप ट्रांसलेट इसको कर सकते हैं। अब इसी में देखेंगे, जैसे आप एक समझने में आपको थोड़ी सी शायद ये हो, तो जैसे इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं हम लोग, जैसे आपको ये नेगेटिव सेंटेंस है मतलब नॉट लगाना है, तो किस तरह से आप बात करेंगे? तो जिसमें एस लगता है या ईएस लगता है उन सभी सेंटेंसेस में हम डज नॉट या डजंट बोलते हैं, और जिसमें एस या ईएस नहीं लगते हैं उनको सेंटेंस में डोंट या डू नॉट बोलते हैं। तो जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें डजंट या फिर डोंट लगाएंगे। तो आप देखते हैं आगे में किस तरह से इसका एग्जाम्पल है, इसको आप देख लीजिए इसको, ताकि आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं हो। ये सेकंड पेज हमने लेके आया मैं, ये आप देख रहे हैं ये सेकंड पेज है आपका। जैसे एग्जाम्पल है, ही डजंट रीड ए बुक, ही डजंट रीड ए बुक, ही डजंट रीड ए बुक, वह किताब नहीं पढ़ता है। इस सेंटेंस को आप देख रहे हैं क्योंकि वहां पे एस लगता था और यहां हमने इसको डजंट में बदला है, इसलिए जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस में डजंट या डोंट लगाते हैं उस स्थिति में जो मेन वर्ब में एस या ईएस होता है वो कदापि फिर से नहीं लगाना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रीड्स था या रीड्स नहीं होकर के ये रीड होगा। उसी तरह जैसे प्लेज लगता है तो डज या डजंट यदि आप लगाते हैं उस स्थिति में आपको नहीं लगाना है, उसका मेन वर्ब जो है वो भी वन फॉर्म में ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। तो ये आपका इसका नेगेटिव फॉर्म है। इसी को जैसे हम लोग जैसे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के फॉर्म में हम करें, तो आप जानते हैं कि जब भी आप क्वेश्चन आपको बनाना होता है तो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से ही शुरू होता है, और ऑक्सिलरी वर्ब जो है आपको सिंपल प्रेजेंट में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आपको डू या डज लगाना पड़ेगा। तो डज वैसे सेंटेंसेस में लगाएंगे जिसमें हम लोग एस यूज करते हैं, या ही सी ईट वगैरह जो भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा उस स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे, उनको डज लगाएंगे, और जिसमें ही सी इट नहीं रहेगा उसमें हम लोग डू लगाएंगे। तो आप इसमें फर्स्ट एग्जांपल जो ये देख रहे हैं यहाँ पे है, डज ही रीड ए बुक, क्या वह किताब पढ़ता है। उसी का सेकंड में आप देखिए, डू यू रीड ए बुक, क्या तुम किताब पढ़ते हो। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें जो आपका ऑक्सिलियरी वर्ब है सहायक क्रिया है वो आपका डू या डज होता है। तो आप जब भी इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको डू या डज से शुरू करना पड़ेगा। तो ये आपका ये पहचानने का, तो इस तरह का यदि कोई सेंटेंस रहे मान लिया क्वेश्चन मार्क में रहे तो इसको भी पहचानना है, डज या डू से यदि शुरू हो गया है कोई भी आपका सेंटेंस तो आप समझ लीजिए कि ये सिंपल प्रेजेंट का है, ये आपका इंट्रोगेटिव है। इसके बाद बात करते हैं आपका, फर्स्ट नेगेटिव था फिर इंट्रोगेटिव आया फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ऐसा भी होता है कि जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों आपका मिले हुए होंगे, तो इसके लिए आप देख सकते हैं ये जो एग्जाम्पल है, डजंट ही रीड ए बुक, डजंट ही रीड ए बुक, यहाँ पे अब पोस्ट ऑफिस छूट गया है, तो आप देख लीजिए डजंट ही रीड ए बुक, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है। डोंट यू रीड ए बुक, क्या तुम किताब नहीं पढ़ता हो नहीं पढ़ते हो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये आपको इनको बोला जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इसमें दोनों तरह के मिले हुए हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों। तो ये सेंटेंस आप देख लेंगे तो ये जो है आपका ये जितने इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस है ये सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है। और आप सिंपली इतना जान लें जो जिस वैसे सेंटेंसेस जिसको आपको लगता है कि ये रेगुलर वर्क होता है, ये वर्क रेगुलर होता है, तो वो सभी सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट में बात करते हैं और दिमाग में सिंपल प्रेजेंट लाएंगे तभी इसको आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट के बारे में हमने बहुत जल्दी से बता दिया। अब आप बात करते हैं कि इसका जो आगे है प्रेजेंट का जो और तीन पार्ट्स है उसके बारे में बात करेंगे, और इसी चैप्टर में हम लोग पूरा का पूरा टेंसेस जो है उसको कंप्लीट करेंगे। अब ये सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो सेकंड आपको एग्जांपल है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है कि यू आर रीडिंग ए बुक, यू आर रीडिंग ए बुक, तुम किताब पढ़ रहे हो। इसका मतलब है कि तुम किताब पढ़ रहे हो कंटिन्यूअस में है। इसका जैसे यहाँ पे देखिए थर्ड एग्जाम्पल आप देखिए, I am reading a book, मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो इन दोनों सेंटेंस को आप देख रहे हैं तो इन दोनों में क्या पता चल रहा है आपको, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है उसके बाद आपको is या फिर are या फिर am है, ये तीनों चीज ये auxiliary verb है, इसका सहायक क्रिया है इसके साथ लगा हुआ। इसके बाद एक चीज आप देख रहे हैं भी में ing, भी में ing,
रीडिंग आई एन जी रीड वर्ब वन हो गया, उसमें आई एन जी लगा हुआ, इसको वी फोर भी बोला जाता है लेकिन ऐसा कोई फॉर्म होता नहीं। उसके बाद आप देख रहे हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, किताब है कुछ भी है वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कहलाता है। तो इसका जो आप देख रहे हैं इसका जो स्ट्रक्चर है आप इसमें देख सकते हैं, पहले सब्जेक्ट है, फिर आपका इज आर एम है और वी फोर यानी वी आई एन जी है और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस है। तो यदि इस तरह का जो सेंटेंस है आपको इस तरह से मिले तो आप समझ लेंगे कि ये जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। इसमें आप देख सकते हैं वर्क गोइंग ऑन नाउ, मतलब इस तरह के सेंटेंसेस आपको क्लियर करता है कि जो काम है जो वर्क है अभी वो चल रहा है, वर्तमान में प्रोग्रेस में है, इसलिए प्रोग्रेसिव है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, तो वर्क इन प्रोग्रेस। तो इस तरह का जो सेंटेंस आपको रहेंगे तो आप समझ लीजिए ये जो है सो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का है, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोला जाता है। तो तीन तरह का ये तीन तरह के नाम से इसको जाना जाता है। खैर जो भी हो आप इसको समझ लें, तो इसको आपको पहचानने का तरीका यही है, यदि इज आर एम है उसके बाद आई एन जी लगा हुआ है आप सीधे समझ लेंगे कि ये जो है सो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का है। तो ये आपको हो गया सेकंड। इसके बाद जैसे हम लोग बात करना होगा इसी का, जैसे है आप इसको थोड़ा सा जान लीजिए, इसको आपको जानना पड़ेगा, ये देख रहे हैं इसी को जैसे हम लोग बात करते हैं नेगेटिव में, तो इसका जब नेगेटिव बनाना होता है तो इज नॉट या फिर आर नॉट या फिर एम नॉट लगाते हैं। तो जैसे बात करते हैं कि राज इज नॉट रीडिंग ए बुक, राज इज नॉट रीडिंग ए बुक, राज किताब नहीं पढ़ रहा है, सिंपल सी बात है, ये पूरी तरह से आपका नेगेटिव हो गया। उसी तरह से आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अब इसी को जिसे हमको बोलना होगा इंट्रोगेटिव में, तो हम बोलेंगे कि क्या राज किताब नहीं पढ़ रहा है, और हमने ऑलरेडी बताया कि जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो सारे के सारे सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब से ही शुरू होते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस में ऑलरेडी आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब है, कौन कौन से हैं, इज आर या फिर एम। तो ये तीनों में से जो है आप सुटेबल जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार आप इज या फिर आर या फिर एम से शुरू कर सकते हैं। तो जैसे राज है, राज तो आपको इज होगा, तो इज राज रीडिंग ए बुक, क्या राज किताब पढ़ रहा है, आई आई के साथ हो जाएगा, एम आई रीडिंग ए बुक, एम आई रीडिंग ए बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो ये आपका जो है सो इंट्रोगेटिव है। तो इज ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं इज आर एम है फिर आई एन जी है, तो आप समझ जाइए ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का है, चाहे ये नेगेटिव में हो एफर्मेटिव में हो। अब जिसे इसी के आगे इसे बात करते हैं हम लोग इसी का, तो ये है आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा ये जो सेंटेंस है आप देख रहे हैं, इज ही नॉट रीडिंग ए बुक, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है, इज ही नॉट, नॉट लग गया नेगेटिव है, इज ही यहां ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू है, क्वेश्चन मार्क है, ये इंट्रोगेटिव हो गया, दोनों मिलाकर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इसी तरह जैसे आर यू नॉट रीडिंग ए बुक, क्या आप किताब, क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो ये भी जो है सो आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो ये यदि स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है आप समझ लें कि वो जो है सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इंग्लिश में आप देख रहे हैं ईच आर एम और आई एन जी लगा हुआ है, हिंदी में रहा है रही है रहे हैं, इस तरह का सेंटेंस है, और उससे ये कंप्लीट परफेक्ट आपको पता हो जाता है कि ये काम वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में हो रहा है, वर्क इज इन प्रोग्रेस। आपको इसको पूरी तरह से इस चीज को समझ लेना है। अब बात करते हैं इसी में आगे बढ़ते हैं, जैसे इसी में जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या है ये थर्ड है, तो इसमें देखेंगे इसका भी बनावट के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए ही हैज रेड, यहां पर जो हमने ये लिखा है ये आर ई ए डी स्पेलिंग वही है लेकिन इसको रेड पढ़ा जाता है। ही हैज रेड ए बुक, उस वह किताब पढ़ चुका है, चाहे उसने किताब पढ़ा है। वी हैव रिटेन ए लेटर, हम लोग पत्र लिख चुके हैं, हम लोग पत्र लिखे हैं। सी हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल वह विद्यालय जा चुकी है, वह विद्यालय गई है, चुकी है या गई है, ठीक है, तो आप इसको देख लें।
तो इन तीनों सेंटेंसेस को आप यदि बहुत गौर से सोचेंगे तो आप इस चीज में एक बात पाएंगे कि इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, फिर हैज है या फिर हैव है, दोनों में से सूटेबल जो है सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। उसके बाद भी का थर्ड फॉर्म है, जैसे वहां पर रेड है, रीड रेड रेड, राइट रोट रिटेन होता है, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाकी जो बचा हुआ सेंटेंस है वो चीज है। तो इस तीनों को जैसे आप देख रहे हैं तो तीनों से ये आपको पता चल रहा है, देखिए वर्क हैज बिन डन एंड स्टिल इन माइंड अबाउट दैट। इसमें एक बहुत सोचने वाली बात है, बहुत ही सूक्ष्म एक पॉइंट है इसमें, आप शायद इसको बहुत गौर से नहीं सोचते होंगे जब बात करते हैं। इसको सोचने वाली बात है कि इस तरह का जो आपको सेंटेंसेस है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी काम जो हो चुका है लेकिन यदि उसके बारे में अभी भी पूछा जाए तो मैं उसके बारे में बता चुका हूँ, बता सकता हूँ। कहने मतलब उस काम का अभी भी मेरे से रिलेशन है, या किसी के बारे में बोला जाए तो उसका रिलेशन है। जैसे मान लिया हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग पत्र लिख चुके हैं, इसका मतलब हमको ये पूरी तरह याद है कि हम लोग पत्र लिख चुके हैं, और यदि उसके बारे में आप कुछ पूछ सकते हैं तो मैं उसमें शायद बता सकूं, इसका मतलब उसका उस वर्क का रिलेशन अभी भी है। तो उस तरह का जो सेंटेंसेस है उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, आप देख रहे हैं हैज हैव रहेगा और भी थ्री रहेगा, तो आप समझ लीजिए कि वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है। इसी के जैसे देखा जाए, ये प्रेजेंट परफेक्ट आपका देख रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे नीचे हमने रेड में लिखा है, इसमें वी हैव नॉट रिटेन ए लेटर, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। वी हैव नॉट रिटेन ए लेटर, हमने लेटर नहीं लिखा है, हमने लेटर नहीं लिखा है, वी हैव नॉट रिटेन ए लेटर। तो ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, वी हैव नॉट रिटेन ए लेटर, मतलब हमने लेटर नहीं लिखा है, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। उसी तरह सी हैज नॉट गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गई है, विद्यालय नहीं गई है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। इसी को यदि क्वेश्चन बनाना हो तो आपको ऑलरेडी हमने बताया कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आप इसमें ऑक्सिलरी वर्ब को लेके चलेंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब हैज और हैव है। तो क्योंकि यहाँ पे जैसे ये वी की बात करते हैं तो वी के साथ हैव होता है, तो हम इस तरह के सेंटेंस को हैव से शुरू करेंगे। तो यहाँ बात करेंगे हैव यू रिटेन ए लेटर, क्या हमने पत्र लिखा है। हैज सी गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल गई है। तो आप इसमें देख लेंगे तो ये जो सेंटेंसेस है इसका मतलब है कि आप ये इंट्रोगेटिव है, और ऊपर में जो साथ आपको नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसी को जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो हम कहेंगे हैव यू नॉट रिटन ए लेटर, क्या हमने पत्र नहीं लिखा है। हैज सी गॉन टू स्कूल, तो हैज सी नॉट गॉन टू स्कूल, क्या हुआ स्कूल नहीं गई है। तो ये जो सेंटेंस हैज हैव और वी3 का फॉर्म में जो भी सेंटेंसेस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। तीन स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग इसी का प्रेजेंट का जो लास्ट है उसके बारे में, और ये लास्ट ये चार भाग यदि आप जान जाते हैं तो पास्ट और फ्यूचर के में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। यद्यपि ये आपको वीडियो मोटा मोटी 20-25 मिनट का बन सकता है, लेकिन ये आपको बहुत ही इस बारे में क्लियर कट आइडिया देने के लिए हमने बनाया ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं रहे। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद वाला, इस सेंटेंस को देखें आप। हैव वी नॉट रिटन ए लेटर, उसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। हैज सी नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वो विद्यालय नहीं गई है। ये आपका कुल मिलाकर जो है सो ये थर्ड तीन तक का आपका ये परफेक्ट हो गया कंप्लीट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक। अब बात करेंगे इस जो फोर्थ हमारा है इसके बारे में। ये जो फोर्थ है हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो फोर्थ चौथा जो है ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, आप देख लीजिए इसमें एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल है इसको बढ़िया से देखिए आप। He has been reading a book. He has been reading a book. वह किताब पढ़ता रहा है। आप इस चीज को हिंदी में देखिए, वह किताब पढ़ता रहा है, हमने वह किताब पढ़ रहा है ऐसा नहीं लिखा हमने, आप इस बात को समझेंगे। दूसरा है You have been reading a book. तुम किताब पढ़ते रहे हो। हम यहाँ दोनों पे हमने ये नहीं लिखा कि पढ़ रहे हो, जैसे कि कंटिन्यूअस में हम लोग देख रहे थे वहां पर तुम किताब पढ़ रहे हो। You are reading a book. वह किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग ए बुक। यहाँ पर हम बात करते हैं ही हैज बीन रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ता रहा है। इसमें सेंस आपको देखना होगा, दोनों का जो सेंटेंस का जो सेंस है उसको आपको पूरी तरह से समझना पड़ेगा, और इसको समझाने के लिए हमने ये चीज बनाया है, आप इसको देख लेंगे आप।
यू हैव बीन रीडिंग ए बुक, तुम किताब पढ़ते रहे हो। ही हैज बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। नीचे हमने आपको एक चीज और लिखा है, देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या था, उसमें कोई बात टाइम नहीं दिया था, इसमें देखिए आप देख रहे हैं ही हैज बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग और यू हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 3 आवर्स। इन दोनों सेंटेंस को भी आप देखिए, आपको हमें क्लियर ये कर देता हूं कि ये जो ही हैज बीन रीडिंग ए बुक मतलब वह किताब पढ़ता रहा है, इसमें सेंस आपको ये बता रहा है कि ये बहुत देरी से वो काम कर रहा है, वो पढ़ने का जो काम है उसके द्वारा बहुत देरी से किया जा रहा है लेकिन अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। हो सकता है उसमें कुछ पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, कुछ पार्ट पूरा हो गया, कुछ पार्ट अभी भी चल रहा है। तो वैसे सेंटेंस को जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगाते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं, इसका यदि आप ये देखते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो बनावट है, आप इसको देखेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको मैं बता दूं, ये सब्जेक्ट है, फिर हैज बीन हैव बीन है ये, और उसके बाद वी आई एन जी है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस है। तो हैज बीन हैव बीन और वी आई एन जी रहेगा तो आप समझ लें ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और इज आर एम था और आई एन जी था वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था। तो ये सब में आप देख लेंगे तो इससे ये पता चलता है कि काम जो है बहुत पहले शुरू हुआ है। देखिए इसमें हमने ऑलरेडी लिखा है पार्ट ऑफ द वर्क, यहां देख रहे हैं आप पार्ट ऑफ द वर्क, पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीटेड एंड पार्ट ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस। कुछ पार्ट जो है सो आपका कंप्लीट हो गया है, कुछ पार्ट जो उस काम का अभी चल रहा है, तो आप इस चीज को देख लेंगे। तो और एक सेंटेंस इसमें जो हमने लिखा है नीचे में यहाँ पे देख रहे हैं, ही हैज बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से वो क्या कर रहा है, बुक पढ़ रहा है। और यू हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 3 आवर्स, तुम 3 घंटे से किताब पढ़ रहे हो। इसमें दो चीजें, एक हमने सिंस लगाया, एक हमने फॉर लगाया। इसको भी मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, यदि पॉइंट ऑफ टाइम है, कहने मतलब एकदम फिक्स टाइम है, किसी प्रकार की कोई डायलेमा नहीं उसमें, तो वैसी स्थिति में हम लोग जिसे है कि सिंस लगाते हैं। मॉर्निंग मतलब सुबह का टाइम फिक्स है, आपको 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 2020 से या जो इस तरह का जो रहेगा तो उसमें सिंस लगाएं। और 4 3 आवर्स कहने मतलब ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपको कितने से कितने 3 घंटा, वो लमसम की बात करते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग बात करते हैं 4 की। तो इस तरह का जो सेंटेंसेस है आपको हैज बीन हैव बीन और आई एन जी है, तो वो जो स्ट्रक्चर है उस तरह का जो है आप समझ लेंगे कि वो जो है सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो ये 4 पार्ट हमने ऑलरेडी बता दिया आपको, इस 4 पार्ट के बाद बात करेंगे हम लोग पास्ट का और फ्यूचर का, जो कि मैं कंटिन्यूअस तुरंत जल्दी जल्दी मैं बता दूंगा, आपको किसी प्रकार की उसमें कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। जैसे इसमें देखिए, आपको इसमें पहचानने के लिए एक चीज और देख लीजिए, सी वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गई, सी वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गई, सी रोट ए लेटर, सॉरी वी रोट ए लेटर, हमने हम लोग पत्र लिखे। तो दोनों को देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है सी है, वेंट है, ये वी टू है, ये वी टू ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और आप देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट डिफिनाइट में क्या होता था, सब्जेक्ट होता था और उसमें सिर्फ भी वन होता था। तो यदि सब्जेक्ट और भी वन होता था तो प्रेजेंट इंडिफिनाइट का था। यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर आपको क्या है, यहां पर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ यहां पर वी टू है, तो यदि सब्जेक्ट और वी टू है तो आप समझ लेंगे कि ये पास्ट इंडिफिनाइट का है या सिंपल पास्ट का है, ये सेंटेंस है। और उसमें आप देख लेंगे जैसे सिंपल प्रेजेंट में जो था आपको, उसका यदि इंट्रोगेटिव बनाना होता था तो हम लोग डज या फिर डू लगाते थे, नेगेटिव तो डजंट या डू नॉट लगाते थे। अब इसमें यदि बात करते हैं जैसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट का, तो उस स्थिति में आपको जो है सो सिर्फ और सिर्फ डिडंट लगाना है, सिर्फ डिडंट लगाना है, और जैसे उसमें होता था वो सिर्फ ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता था, यहां भी ये ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, सी डिडंट गो टू स्कूल, सी डिडंट वेंट कभी नहीं होगा। आप यहां पर हमेशा यह रखना, आप यदि ये लिखते हैं, आप डिडंट का यदि प्रयोग करते हैं, डिड या डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, वैसे में वो वी टू कभी नहीं होगा, उसमें हमेशा जो है सो वी टू को अवॉइड करना है, आपको वी टू नहीं लगे, वो ओरिजिनल फॉर्म में जो है सो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ गो में आ जाएगा, वी वन फॉर्म में। तो सी डिडंट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं गई, वी डिडंट राइट ए लेटर, हम लोग लेटर नहीं लिखे,
देखिए रॉट के बदले राइट लिखा हमने, इसमें वेंट के बदले गो लिखा हमने। यहाँ पे इसका इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो यहाँ पर चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब आपको नहीं होता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट में डू डज या डू से शुरू करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डीड का प्रयोग किया जाता है। तो हम बात करेंगे डीड सी गो टू स्कूल, क्या हुआ स्कूल गई। डीड वी राइट ए लेटर, क्या हम लोग पत्र लिखे। और इसी को यदि आपको नेगेटिव बनाना होगा तो होगा डिडंट सी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं गई, ये सब होता है। तो आप इस चीज को देख लेंगे तो ये आपका प्रेजेंट सॉरी पास्ट इनडेफिनाइट का सेंटेंस है, मतलब सब्जेक्ट और वी टू है या फिर डिड है डिडंट है, तो आपको समझ लेना है कि ये जो होगा आपको ये होगा आपका पास्ट इनडेफिनाइट का, ये आपका ये हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। देखिए इसमें क्या पता चलता है, इसका एक बारीकी आप समझ लीजिए। यहां देखिए वर्क डन बट नॉट एनी रिलेशन एट प्रेजेंट, ये सिंपल पास्ट होता है। इसमें काम जो है सो हो चुका है, ये जो काम है ये पूरी तरह मतलब ये काम हो चुका है, लेकिन उस काम का जो है अभी मेरे माइंड से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब वो काम आया गया हो गया जिसको हम लोग कहते हैं। और जो प्रेजेंट परफेक्ट था आप उसको समझ लीजिए, जब प्रेजेंट परफेक्ट था उसमें क्या था कि जो काम हो चुका लेकिन उसके बारे में अभी भी आपके माइंड में है। जैसे हम इसमें बात करते हैं वह स्कूल गई, स्कूल गई का मतलब उसमें बहुत प्रकार का बहुत तरह का हमको टेंशन नहीं है कि वो स्कूल गई, बस बस हमको इतना मतलब है वो स्कूल गई, उसके बाद हमको कुछ नहीं पता। लेकिन यदि हम इसमें बात करते हैं कि वो स्कूल गई है या स्कूल जा चुकी है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में हम डालते हैं और उसका मतलब होता है कि वो स्कूल गई है और उसके बारे में यदि आप पूछेंगे मेरे को कुछ भी तो मैं उसके बारे में बताने लायक हूँ। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, दोनों में एक पॉइंट बहुत छोटा सा डिफरेंस है और ये बहुत ही बारीकी से आपको समझना होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इनडेफिनाइट में ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। आप बात करते हैं तो ये आप समझ लीजिए सब्जेक्ट और वी टू है तो वो आपका पास्ट इनडेफिनाइट का है। उसी तरह से जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था इज आर एम और आई एन जी होता था, पास्ट कंटिन्यूअस में आपको सिर्फ वाज वेर और आई एन जी होगा। सी वाज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल वह विद्यालय जा रही थी, ये हिंदी हो गया आपको। तो आप जान लीजिए वाज वेर और भी में आई एन जी लगा हुआ है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। उसी तरह से जैसे आप बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के बाद आएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो उसमें जैसे आपको होता था हैज हैव और वी थ्री, यहाँ पे आपको सिंपली एक ही होता हैड और वी थ्री। तो सी हैड गोन टू स्कूल, वह विद्यालय जा चुकी थी। तो यदि हैड है वी थ्री है तो आप समझ लेंगे कि ये आपका कौन सा है, ये आपका पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे एकदम फ्यूचर तक में, तो ये देख लीजिए आप ये एट्थ, जैसे चार भाग से प्रेजेंट का हुआ, चार आपका पास्ट है मतलब ये पास्ट का लास्ट भाग है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है सो आप इसमें देख सकते हैं हैड बीन और वी आई एन जी, उसमें हैज बीन हैव बीन वी आई एन जी होता था, इसमें सिर्फ और सिर्फ हैड बीन है। आप देख लेंगे सी हैड बीन गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल विद्यालय जाती रही थी। कहने का मतलब ये ड्यूरेशन ऑफ पीरियड बता रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, वो कुछ दिनों तक वो काम करती रही थी, मतलब कुछ भाग पूरा हो गया था कुछ चल रहा था। उसमें दोनों तरह ड्यूरेशन, एक होता है कि आपको वो पढ़ रही थी और वो पढ़ती रही थी, तो ये पढ़ती रही थी, ये स्कूल जाती रही थी, ये बात आपका हिंदी में समझना होगा। ये नाइन्थ है जो आप नौवां भाग देख रहे हैं अब, ये सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं। इसमें सिंपली है आपको सब्जेक्ट होगा और यहाँ पर विल या फिर सेल का आप यूज कर सकते हैं, सेल या विल का यूज करेंगे और वी वन होगा। आप देख रहे हैं तीनों में सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, तीनों में आप यदि देखते हैं तो सीधे सीधे क्या था, वो दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब होता था, सब्जेक्ट भी वन फिर सब्जेक्ट भी टू। यहाँ पर जो है आपको सब्जेक्ट के साथ सेल या विल भी रहेगा, तो सेल विल और यदि भी वन है तो आप समझ लेंगे कि ये कौन सा है, आपको सिंपल फ्यूचर का है, फ्यूचर इनडेफिनाइट का है। उसी तरह से जैसे आपका है सेल भी विल भी और आई एन जी होगा तो आप समझ लेंगे ये फ्यूचर आपको
फ्यूचर कंटिन्यूअस का होगा, सेल बी विल बी जो होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का होगा, जैसे सी विल बी गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जाती रहेगी। जाती रहेगी मतलब कुछ देरी तक ये बात है। इसके बाद बात करेंगे सेल हैव बीन, सेल हैव और विल हैव, मतलब ये कंप्लीट कर चुकेगी, आप समझ लीजिए। इसमें इसका बनावट है सेल हैव, विल हैव और भी थ्री, तीनों का परफेक्ट में आपको भी थ्री लगेगा, तीनों का जो है कंटिन्यूअस में भी आई एन जी लगेगा, तीनों का जो है सो सिंपल या इनडेफिनाइट में भी वाल लगेगा। और तो इसमें देखिए सेल हैव विल हैव, तो यहाँ पे बात करेंगे जैसे है तो सी विल हैव गॉन टू स्कूल, वह विद्यालय जा चुकेगी, वह विद्यालय जा चुकेगी, काम खत्म हो चुकेगी। और इसी का लास्ट जो पार्ट है आप देख लीजिए, फ्यूचर जो है सो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो यहाँ पे होगा सेल हैव बीन, विल हैव बीन और भी आई एन जी सब में लगता है, इसमें भी लगेगा। तो इसमें आपको हो जाएगा सी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जाती हुई रहेगी। जाती हुई रहेगी कहने का मतलब ये कुछ ड्यूरेशन तक बताता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इसमें यदि पूरा सेंटेंस को आप देख रहे हैं सब में तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसको आप देख ले, इसको पूरा वीडियो को आप देख रहे हैं अपने निश्चित रूप से, अच्छा लगे तो शेयर करें। और इसके बाद मैं फिर कंटिन्यूस करूंगा, इसको एक और चैप्टर में बनाऊंगा जिसमें मैं पूरे कंपाइल करके मैं 5 से 7 मिनट में एक वीडियो और मैं बनाने जा रहा हूं इसी का, ताकि उसमें आपको किसी तरह का जो भी कन्फ्यूजन है वो पूरी तरह से आपका ठीक हो जाए। थैंक यू वेरी मच, और कोऑपरेट करें, आपको जानना हो मैं निश्चित रूप से बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।